पुलिस स्टेशन में खड़े होकर कागज के पन्नों को पलटती है वो औरत है जिसने अपने पति को सबक सिखाने की कसम खाई है। असल में प्यार में धोखा खाने के बाद अपने पति को सबक सिखाने के लिए एक महिला उड़ीसा से बिहार के जमुई पहुंच गई। अपने पति को ढूंढने जमुई पहुंची महिला की फरियाद जब चकई थाने में नहीं सुनी गई तो उसने सीधे एसपी को फोन लगाकर अपनी पूरी कहानी बताई। अब एसपी के आदेश के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दरअसल हजारों किलोमीटर दूर उड़ीसा से चलकर बिहार पहुंची बसुमती नाम की महिला ने अपना दुखड़ा सुनाया। महिला ने कहा कि जमुई के रहने वाले एक शख्स ने उससे पहले प्यार का नाटक किया, फिर शादी की और उसे छोड़कर अपने गांव आ गया। अब वो अपने पति को सबक सिखाने उसके गांव आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जमुई के बटपार गांव के रहने वाला रोशन कुमार सिन्हा ने उड़ीसा की रहने वाली बासुमती से मुलाकात बेंगलुरु की एक कंपनी में काम करने के दौरान हुई थी। बसुमती अपनी एक सहेली के साथ बेंगलुरु की एक कंपनी में काम करती थी और पास में ही रोशन अपने एक रिश्तेदार के साथ रहता था। रोशन से पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और फिर रोशन ने धोखा देकर लाखों रुपए का इसे चूना लगा दिया। अब महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है और कैमरे पर अपने पति की सारी काली करतूत बयान कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? बसुमती जी, आप उड़ीसा से जमुई पहुंची हूँ, वजह क्या है? वजह ये है कि 9 साल तक मेरे साथ रह के अभी मुझे छोड़ के चला आया है। कौन? रोशन कुमार सिन्हा। वो कौन? मैंने मेरा हस्बैंड मुझे कोर्ट मैरिज करूंगा बोला, जो मंदिर में शादी किया है और बाद में कोर्ट मैरिज करूंगा बोला, आज करूंगा कल करूंगा ऐसा बोल के 9 साल हो गया। अभी EMI में पैसा उठाया है 560,000 रुपया, कंपनी से 60,000 रुपया लेके दिया, पैसा लेके वो अभी मेरे पास नहीं आ रहा है, ना EMI का पैसा दे रहा है। मैं अपना घर का सामान उमान बेच के 2 महीने तक EMI भरा, अभी इस महीने ड्यूटी भी नहीं है, मैं इधर से उधर था, नहीं ये था, नहीं वो था, तो मैं अभी कहाँ से करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं। एक चीज बताइए, जो आपके हस्बैंड है इससे आपकी मुलाकात कैसी होगी? वो जमुई का रहने वाला है, चकाई का, आप उड़ीसा की रहने वाली हैं, लेकिन अब दोनों की मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई, उसके बाद फिर ये बात कहाँ तक हुई? कंपनी में काम कर रहे थे। कहाँ? गोकुलदास कंपनी में, और मैं वहाँ वार्डन बन के आई थी। ये गोकुलदास कंपनी कहाँ? बेंगलोर में है, तो वहाँ उनसे भेंट हुआ था। तब वहाँ कुछ रिहर्सल नहीं होता था कि वो मेंबर्स लेके आते थे और हॉस्टल देखते थे, हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम है तो वो समझते थे, और हॉस्टल में कुछ मैं रहती थी लड़कियों को देखभाल करने, क्योंकि वो जेंट्स हैं तो उनको अलाउ नहीं होता था, लेडीज हूँ तो मुझे देर छोड़े थे वार्डन के काम पे। अभी उनसे भेंट हुआ था, कंपनी में काम करते थे, तो कंपनी में काम करते समय उनसे बात होते ऐसे होता था नॉर्मली। जब वहाँ पे थोड़ा कंपनी में प्रॉब्लम हुआ तो मैंने काम छोड़ दिया, काम छोड़ने के बाद मुझे कहीं रहने के लिए रूम नहीं था तो वो रूम दिलवाए, रूम दिलवाने के बाद वो कहीं और रहते थे, वो ज़बरदस्ती आके बोले कि मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं बोले मैं नहीं रह सकता हूँ, तो नहीं मैं तुम्हें शादी करूँगा, मैं तुमसे रहूँगा, ऐसे बोल के मेरे साथ 1 साल रुका। 1 साल रुकने के बाद फिर वो दूसरा लड़की के साथ बात करके मैंने उसको भगा दिया था, तो दूसरे लड़की से बात करता है मेरा घर वाले को मैं पता चलेगा तो क्या बोलेंगे, लोगों को पता चलेगा तो क्या बोलेंगे, बोल के मैं पुलिस को बुला के उसको घर से निकाला था। फिर बाद में वो रिक्वेस्ट करके मेरे पास आया, नहीं मैं तुम्हें अभी जैसे भी शादी करके ही रुकूंगा, ऐसा नहीं रुकूंगा, बोल के शादी करके मेरे साथ रुकूंगा। शादी मंदिर में? हाँ मंदिर। उसके बाद अच्छा से चल रहा था, अभी वही पैसे के लिए मैंने थोड़ा झगड़ा होता था रूम पे, कि मैं कमा रहा हूँ तुम क्यों नहीं कमा रही हो। जानकारी हमको ये भी मिल रही है, किसी को पता नहीं, उसके हस्बैंड है उसका किसी और लड़की से? हाँ, और एक लड़की से उसका बात चल रहा है, और चल रहा था अभी, उसी के वजह से रूम पे ज्यादा झगड़ा हुआ, मुझे बिना बताए वो उसको पार्क लेके जाता था, मंदिर लेके जाता था। मतलब वो लड़की कौन लड़की है? वो लड़की मेरे गाँव का है, वो मेरा मामा का लड़की लगेगा, पर ऐसे ही रिलेटिव अपना नहीं है, और उससे उसको होटल लेके गया था, सबसे मेन पॉइंट बात होटल लेके गया था, तो मैंने बोली कि तू इसमें पैसा खर्च कर रहा है, जो घर का EMI है, रूम का रेंट है, उसमें नहीं दिख रहा है, ये सब मैं पैसा खर्च करने के लिए तेरे पास है और ये सब देखने के लिए नहीं है, 9 साल का रिश्ता तू 3 महीने का रिश्ता मैं तोड़ रहा है, बोल के मैंने उसको बोला। क्या मुझे आपको लगता है कि उसी लड़की के कारण ये आप दोनों का संबंध? हाँ, उसी लड़की के कारण। अब आप पुलिस से क्या चाहती हैं? क्या पुलिस यहाँ जमुई पुलिस क्या बोली है?
जमे पुलिस बोले हैं कि जो हमसे सपोर्ट मिलेगा हम करेंगे, जो हमसे बनेगा हम तुमको सपोर्ट करेंगे बोल के बोले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।